तो हेलो एंड वेलकम वंस अगेन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगी। सबसे पहले आपको जय श्री राम, क्योंकि हम अयोध्या जा रहे हैं। फाइनली अयोध्या का व्लॉग अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे लेके आ रहे हैं। और बताऊँ तो काफी ज्यादा अभी डर लग रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले पुलिस वगैरह पुलिस की गाड़ी रुकी यहीं पे और हमें बोले कि यहाँ से तुरंत निकल जाओ अभी फिलहाल, क्योंकि हम लोग अभी रेलवे स्टेशन के पीछे साइड शूट कर रहे थे और डायरेक्शन वगैरह देख रहे थे कि कहीं पे तो अच्छे से मतलब वो एक मिले एरिया मिले जहाँ पे अपन थोड़ा इंट्रो शूट कर पाए। लेकिन इतने में पुलिस वाले आए और बोले कि भैया देखो पिछवाड़े में चाकू मार रहे, कैमरा और सब लूट के चला जाएगा, तो काफी डर लग रहा है। वैसे जय श्री राम और जय बजरंगबली करके आगे निकल रहे हैं। और सच बताओ सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ और ये सब अयोध्या वगैरह का प्लान बना मेरे भाई हर्ष के कारण। और हर्ष ऑल दोस्त अगर हम पिछले वीडियो से जान रहे होंगे, और नहीं जान रहे तो बता दूं हमारे कैमरे के पीछे हमारा दोस्त हर्ष ही है। तो यहाँ से फिलहाल फटाफट से निकलते हैं आगे पीछे रेलवे स्टेशन, हर्ष एक बार दिखा दे और हम बढ़ रहे हैं यहाँ से। हमारा इंट्रो शूट हो गया गाइस, ट्रेन की नॉइज आप सुन सकते हो। जैसे ही यहाँ पे एंटर हुए अपन वीडियो बनाने के लिए, तैसे ही ट्रेन चालू हो गई, पीछे इंजन चालू हो गया, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो बनानी ही थी। काफ़ी टाइम से यूं ही ऐसे भटक रहे हैं, भूख लग रहा था आँखों में, अपनी साफ देख सकते हो। टाइम हम लोग को वही अपन 12 बजे के आसपास आए थे यहाँ पे, और 12:20 के ट्रेन की टाइमिंग थी अभी। फिर उसके बाद 2 बजे अभी 3:30 हुई, अभी 4:10 दिखा रहा था, अभी 4 ये देखो आप देख सकते हो, 4:38 यहाँ पे टाइम हो गया अभी। लेकिन क्या कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं। अभी बाहर गए थे नाश्ता वगैरह किए, उसके बाद अंदर आए चाय वाय पी के, अब देखो कब तक में ट्रेन आती है, कब तक यहाँ से आगे निकलते हैं। और जैसा भी होगा आगे वीडियो में आपको पता चली जाएगा, तब तक के लिए बने रहो, देखो आगे क्या होता है। तो दोस्तों इस वक्त हम मिर्जापुर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हो बोर्ड, और इसके बाद हमारा अगला स्टेशन है। तो दोस्तों इस वक्त टाइम हो रहा है मिनिमम 12:20 के आसपास, हम लोग 2:30 के आसपास पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमारा स्टेशन होने वाला, कौन सा स्टेशन होने वाला है? वाराणसी। तो हम पहले बनारस जा रहे हैं, फिर वहाँ से अयोध्या जाएंगे और आपको सारे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। हम ऑल दोस्त क्या है कि रायपुर में ही बैठे हुए थे और ट्रेन काफ़ी ज़्यादा देर हुई, हम लोग तो वापस अपने शीट थी और प्रस्थान करते हैं, साथ में आपको वाराणसी से प्रॉपर ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो लेट्स गो। काफ़ी ज़्यादा है, ठंडी काफ़ी ज़्यादा लग रही है, और सच बताऊँ तो बहुत ठंड है लगा नहीं था छत्तीसगढ़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ठंड है, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है ऊपर नीचे हुई। और भीड़ में बताऊँ सच बताऊँ तो ब्लॉग करना थोड़ा मुश्किल है, हालांकि लगता है कि ब्लॉगिंग आसान काम है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए यही है कि ब्लॉगिंग यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है, अब आगे आपको बढ़िया बढ़िया व्यूज कैमरे से भी और बाकी सब चीज़ से दिखाते चलेंगे। पता ही होगा कि अभी हम वाराणसी आए हुए हैं, और वाराणसी में अभी थोड़ी देर पहले ही अपन दर्शन किए काशी विश्वनाथ जी के, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। अभी हैं हम जन्म और मृत्यु मतलब साक्षात देखने वाली स्थल से, जिसे मणिकर्णिका घाट कहा जाता है, और यहाँ पे 24/7 मतलब आपको मतलब अंतिम संस्कार होते हुए दिखाई देगा। और सच बताऊँ तो इस जगह को देखकर ऐसा फील होता है कि क्या ही बोलूँ, मतलब जन्म क्या मृत्यु क्या, क्या लोग क्या माया, हर मतलब पूरी ज़िंदगी एक जंजाल है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। कब क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। और पेपर पटना
उसका पावर होता है सर 500 का भी सर 1000 रुपये हजार का भी सेल लोगे तो कपड़े में एक दिन रहेगा एक दिन में खत्म हो जाएगा कितना भी साल हमको इसका खर्च नहीं जाएगा ये इसका हाँ ऐसा कपड़ा पर भी रखो तुम्हारा भी कपड़े पर देखो ऐसा मुड़ी में आता तो है आप